दोस्तों, अगर आप क्रेन का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही बनवा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा, जो कि क्रेन का ही लर्निंग लाइसेंस बनता है। उसके बाद ही आप परमानेंट के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपका परमानेंट कार्ड वाला लाइसेंस क्रेन का मिल जाएगा। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले लर्निंग अप्लाई करना होता है, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस में दिखाने वाला हूँ कि आप लर्निंग लाइसेंस सबसे पहले कैसे बनवाते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में मैं अलग से बताऊंगा कि आप परमानेंट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्रेन लाइसेंस के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने किसी भी क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च कर लेना है परिवहन। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही परिवहन सर्च कर लेंगे, उसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट दिखेगी parivahan.gov.in, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों आप जैसे ही परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ऑनलाइन सर्विस का, उसके नीचे ही आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करना रहेगा, तो सिलेक्ट स्टेट नेम के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद अपने स्टेट के नेम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही अपने स्टेट के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपने स्टेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद इस पॉपअप को आपको कैंसिल कर लेना है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं क्रेन के लिए, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाना है। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक बार कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सबसे ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा आपको जनरल, इसको जनरल ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि आपको यहाँ पे दूसरे के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जो कि दूसरा गोले में आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दाहिने तरफ आपका अपना जन्मतिथि टाइप कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे आ जाएगा, सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, सबमिट के ऑप्शन पे आपको एक बार क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे अगला डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना नाम और पिता का नाम देखकर डायरेक्ट कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा, जो कि 6 अंक का होगा। उसको दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना रहेगा। ओटीपी टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे ऑथेंटिकेट विथ सारथी के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सारे डिटेल्स देख सकते हैं। उसके नीचे दोस्तों आपको सबसे नीचे आ जाना है, लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऐड करना चाहते हैं लाइसेंस। जैसे मैं यहाँ पे क्रेन लाइसेंस ऐड करना चाहता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद बीच में ऑप्शन दिखाई देगा एरो का, जो कि दाहिने तरफ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद डायरेक्ट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। उसके बाद सेल्फ ड्रेकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि पीले कलर का ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहला नो कर लेना है, उसके बाद यस कर लेना है, बाकी सब आपको नो कर लेना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में एक बॉक्स दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करके डायरेक्ट सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से बैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके नीचे दोस्तों आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे डायरेक्ट फिर से क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही पॉपअप आएगा, उसको आपको सारा पॉपअप को ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना है, अपना एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेना है या फिर कहीं भी लिख लेना है, जो कि दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर भी ये एप्लीकेशन नंबर चला जाता है। उसके नीचे आपको डायरेक्ट नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस के पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना फॉर्म डाउनलोड करना रहेगा, तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको दाहिने तरफ देख सकते हैं, जो कि सबसे पहला फॉर्म है एप्लीकेशन प्रेफरेंस स्लिप होता है। उसके बाद दूसरा फॉर्म है फॉर्म 5, जो कि यहाँ पे प्रीफिल्ड जो होता है 5 पेज का होता है। उसके नीचे दोस्तों आप यहाँ पे सेल्फ एड्रेकेशन फॉर्म 1 ये देख सकते हैं, जो कि वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता है। उसके लेफ्ट साइड में अपना फोटो भी देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ और पिता का नाम और RTO नेम वगैरह सारा डिटेल्स कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए दाहिने तरफ आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन पेज स्टेटस का पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो फॉर्म के ऑप्शन पे सेल्फ फॉर्म 1
फर्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे फॉर्म फर्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे डाउनलोड इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इसको डाउनलोड करना है, जो कि आपको लास्ट में आपको अपने RTO भी लेके जाना रहता है 150 रुपये का पेमेंट करने के बाद। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस में सब कुछ बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एप्लीकेशन पेज पे आ जाएगा, अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगला डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा, फिर से आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन आएगा, उस पर एक बार फिर से क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका अपलोड डॉक्यूमेंट करना रहेगा, जैसे कि सिर्फ यहाँ पे मुझे ड्राइविंग लाइसेंस ही अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, उस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस ही सिर्फ अपलोड करना है। उसके साइड में आप प्रूफ में सेलेक्ट कर लीजिएगा ड्राइविंग लाइसेंस, उसके दाहिने तरफ चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जहाँ भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो रखे हुए हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे अपने गैलरी में से। गैलरी में से सेकेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दाहिने तरफ ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद कंफर्म का ऑप्शन आएगा, आपको कंफर्म के ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर से नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अपलोड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, उस पर नीचे आ जाएगा नेक्स्ट के ऑप्शन पे फिर से क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस पेज पर आ जाएंगे, उसके बाद नीचे आ जाएगा 150 रुपये का पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगला डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, उसके बाद नीचे आ जाएगा बैंक गेटवे में आपको सेलेक्ट के ऑप्शन क्लिक करके यह स्टेट बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दाहिने तरफ जैसा सेम यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है वैसे ही सेम कैप्चा को टाइप कर लेना है। उसके नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इस बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्ट प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगला डैशबोर्ड कुछ इसी तरीके का ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, ना ही बैक आना है, जो कि यहाँ पे आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट का पेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओपन होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप स्टेट बैंक के ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो पहला ही ऑप्शन है, या फिर अदर बैंक के ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन है। उसके नीचे दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे, जो कि आपको यहाँ पे 150 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद फिर से कंफर्म का ऑप्शन आ गया, फिर से मैं कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अगला डैशबोर्ड आपको अपना ATM कार्ड की सारा डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करना रहेगा, तभी आपका 150 रुपये का पेमेंट होता है। तो वेट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे ऊपर अपना कार्ड नंबर ATM कार्ड नंबर टाइप कर लेंगे, उसके नीचे दोस्तों आपको ATM कार्ड नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे ईयर भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना नीचे नाम टाइप कर लेना है, जो भी आपके ATM कार्ड में है या फिर बैंक में है। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे CV टाइप करके जैसा सेम यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है सबसे नीचे लास्ट में कैप्चा टाइप करके पे के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके फोन पर एक OTP चला जाएगा 150 रुपये का पेमेंट करने के लिए। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से अपने 150 रुपये का पेमेंट करने के लिए OTP टाइप कर लेता हूँ। दोस्तों आप जैसे ही OTP टाइप करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है। रसीद डाउनलोड करने के लिए क्लिक हियर टू प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इस बॉक्स में क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसा यहाँ पे सेम कैप्चा दिख रहा है दोस्तों वैसे ही सेम कैप्चा को आपको टाइप कर लेना है। कैप्चा टाइप करने के बाद प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेमेंट का रसीद डाउनलोड हो चुका है, इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म फर्स्ट, जो कि इस तरीके का देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स दिखाई देगा, उसके बगल में आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट दोस्तों आपको परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से फॉर्म अपने RTO लेके जाना होता है, इसमें दोस्तों आपको डेट नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अदर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके नीचे सबसे ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप कर लीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर टाइप करने के बाद दाहिने तरफ डेट ऑफ बर्थ टाइप करके जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो भी फॉर्म चाहिए, और दूसरा भी फॉर्म चाहिए, उसके बाद फीस रसीद भी चाहिए, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और फॉर्म फर्स्ट ए भी चाहिए। दोस्तों यही सब फॉर्म आपको अपने RTO लेके जाना है पेमेंट करने के बाद। दोस्तों वहाँ पे आप जैसे ही स्क्रूटनी हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जाना होगा, उसके बाद ही आपका स्क्रूटनी होगा दोस्तों, और साथ में ही आधार कार्ड। स्क्रूटनी होने के बाद दोस्तों आपका लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है 2 से 4 दिन में। 2 से 4 दिन में दोस्तों आपका लर्निंग लाइसेंस जारी होने के बाद
बाद आप उस लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों जिस दिन आपका जारी हुआ रहेगा उससे ठीक एक महीने बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका क्रेन का परमानेंट लाइसेंस मैं अगले वीडियो में आपको मैंने बोला कि बताऊंगा। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आपको लिए सबसे पहले वीडियो ला सकूं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको भी क्रेन का लाइसेंस बनवाना है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों और वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू मच दोस्तों।